Hey guys, welcome back. How are you all? I hope you all are doing good. So guys, मेरा नाम है रीना और आज की वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ हेयर केयर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेयर करूंगी. और ये जो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं ना, ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, यानी डर्मैट के थ्रू ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं डिज़ाइन किए गए हैं. तो गाइज, ये जो कम्प्लीट किट है, ये हेयर केयर की किट है जो कि आती है मार्स बाय GHC ब्रांड की तरफ से. और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए अभी मुझे 10 डेज हो चुके हैं, तो जो मेरा एक ट्रू एक्सपीरियंस है अबाउट दिस ब्रांड और इनके प्रोडक्ट्स के लिए, वही आगे इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल तो यू कैन कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल. वीडियो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का बटन है, अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे. एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट एक बेल आइकन आएगा, अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे मेरी सारी वीडियोस से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो गाइज, मार्स बाय GHC जो ये ब्रांड है, इनकी काफ़ी सारे यू नो प्रोडक्ट्स मार्केट में जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, जो कि मेल्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि बियर्ड के लिए है, हेयर फॉल के लिए है, इसके अलावा इम्यूनिटी के लिए है. तो इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं. मार्स बाय GHC की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं. और आज का वीडियो स्पेशली मैं मेल्स के लिए इसलिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम की एक मैंने हेयर केयर की वीडियो शेयर की थी, जिसमें मुझे मेरे फेसबुक के अकाउंट में बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के रिव्यू या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके लिए शेयर करूँ जो कि यू नो जिनके साइड इफेक्ट आपको ना हो और प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हों. तो फाइनली आई हैव अ किट जिसका रिव्यू आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी. तो इस वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा. तो गाइस, जैसे ही हम इसके बॉक्स को जो है ओपन करते हैं तो हमें जो है सबसे पहले मिलती हैं कुछ ऐसे लीफलेट्स. और इसमें जो है आपको एक लीफलेट के ऊपर जो है मिलता है बेस्ट एंटी हेयर लॉस किट डिज़ाइन बाय एक्सपर्ट, जिसमें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 95.7% तक इस किट का जो है कंप्लीट आपको सक्सेस रेट जो है वो मिलता है. इसके अलावा इसके अंदर आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन भी मिलती है. और पीछे की तरफ जो है आपके पूरा मतलब आपकी डिटेल जो है आप यहाँ पे अपनी मेंशन कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के साथ में शेयर भी कर सकते हैं. इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक कूपन भी मिला है जिसपे मेंशन है 20% डिस्काउंट मेरी नेक्स्ट परचेज के लिए, और आई एम श्योर कि मैं इसे बहुत जल्दी जो है यूज़ करने वाली हूँ. और जो एक और कार्ड मिला है इसके ऊपर आपको जो है टेक हेयर एवरी डे, मतलब जब भी आप जब से आप इस प्रोडक्ट को जो है 30 डेज के लिए यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो. इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए ये कितना ज़्यादा ये प्रोडक्ट जो है काम कर रहा है और आपने इसे कितने दिन यूज़ किया. अब इसको एक साइड करते हैं. तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मुझे इस किट के अंदर मिला वो है ये मार्स बाय GHC का, यानी गुड हेल्थ कंपनी का शैम्पू. और ये हेयर नरिशिंग शैम्पू है और कुछ इस तरीके की प्लास्टिक की बॉटल के अंदर जो है ये प्रोडक्ट आता है, जो कि खुलती है फ्लिप के साथ में. तो इसकी टोटल क्वांटिटी है 200 ml, 24 मंथ्स की आपको इसके ऊपर शेल्फ लाइफ मिलती है. 479 रुपीज़ के अराउंड में इसका यहाँ पे MRP जो है वो मेंशन है, लेकिन अभी इनके वेबसाइट पे अभी जाकर आप चेक करेंगे तो अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और ये शैम्पू जो है आपको 300 के अराउंड में मिलेगा. इसके अलावा ये ब्रांड जो है आपको Amazon पे भी ज़रूर मिलेगा, तो आप वहाँ पे भी जाकर इसे चेक कर सकते हैं. तो गाइज, ये जो शैम्पू है ना, इसको मैंने अभी तक 3 से 4 बार जो है यूज़ किया है और मैं एक बार इसे आपको खोल के दिखाती हूँ. यहाँ पे एक और आपको ना एक सेफ्टी कैप मिलती है, जब भी आपको इसे यूज़ करना हो तो इस सेफ्टी कैप को आपको हटाना पड़ेगा. मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और यूज़ करने के बाद दोबारा जो है इसमें लगा देती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे भी छेड़ते हैं तो इस वजह से. तो जैसे ही आप इसकी सेफ्टी कैप को हटाते हो तो जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ना वाइट कलर का है. लेट मी शो यू, ये देखिए, ये प्रोडक्ट जो है ये वाइट कलर का है और काफ़ी यू नो स्मूथ और सिल्की सा है, काफ़ी अच्छा झाग भी बनाता है जब आप इसे अपने बालों के ऊपर अप्लाई करते हो. तो इस पर अप्लाई करने का भी एक तरीका इन्होंने दिया है, अपने बालों को जो है आपको गीला कर लेना है और इसकी बहुत थोड़ी सी ही अमाउंट लगती है, क्योंकि ये टेक्सचर वाइज ना बहुत पतला है, मतलब ऐसा नहीं है कि थिक है और आपको काफ़ी सारा क्वांटिटी में शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, नहीं, थोड़ी सी ही अमाउंट जो है आपके बालों के लिए काफ़ी होगी अगर आपके बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग मतलब आप इसे यूज़ कर सकते हो. मतलब फिर भी बहुत थोड़ी अमाउंट इसकी लगती है, बस आपको अपने बालों को गीला करना है और गीला करने के बाद जो है शैम्पू लेना है और अच्छे से अपने बालों पर स्कैल्प पे रूट पे जो है इसे अच्छे से लगाना है और हल्के हाथों से इस तरीके से करना है. एंड देन सिंपल पानी के साथ में जो है आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है. वॉश करने के बाद क्या अमेजिंग रिजल्ट था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. देखिए, मेरे बालों पे मैंने आपको बताया था और आपके साथ में शेयर भी किया था पहले भी,
कि मैंने केमिकल ट्रीटमेंट करवाया हुआ है. केमिकल ट्रीटमेंट के साथ में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं, लाइक सीरम यूज़ करना पड़ता है आपको, हेयर मास्क यूज़ करना पड़ता है आपको, कंडीशनर यूज़ करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती हैं. लेकिन ये एक शैम्पू जो है ना, ये मुझे इतना इनफ लगा कि बस मैंने इससे शैम्पू किया और कुछ मैंने ना तो सीरम लगाया ना कुछ और लगाया, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे. लाइक टेक्स्चर वाइज जो थे वो उनके अंदर बिल्कुल भी कोई ड्राइनेस नहीं थी और कोई वेवीनेस नहीं थी. मेरे बालों का टेक्स्चर थोड़ा सा हैवी लगा मुझे, बाउंसीनेस भी थोड़ी सी बढ़ गई है, ऐसे लगा बालों की एकदम नेचुरल टेक्सचर में आ गए थे इसको यूज़ करने के बाद से. तो अगर आप फीमेल हैं और आपके बालों में हेयर फॉल हो रहा है तो ये DHT ब्लॉकर शैम्पू है. DHT क्या होता है और क्या प्रॉब्लम्स है ना इसकी, वो भी मैं आगे वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी. तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ना जरूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि स्पेशली आप सबके लिए मैं ये वाला वीडियो जो है शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हेयर फॉल एक ऐसा कॉमन सा प्रॉब्लम है जो सभी के साथ में है ही है. तो गाइज ये शैम्पू बहुत अच्छा है, अगर आपके बालों में हेयर फॉल है तो आप आज ही इस शैम्पू को ऑर्डर कीजिए. क्यों? क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और इसको यूज़ करने के बाद आपके बालों में अगर हेयर फॉल हो रहा होगा ना, 70% से सीधे आधा हो जाएगा, यानी 30-35% का रेट आपको देखने को मिलेगा इसको यूज़ करने के बाद से. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट इसके अंदर आपको मिलता है वो है ये टैबलेट, और ये है बेसिकली बायोटिन, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए एंड जिंक की टैबलेट्स. तो ये कुछ इस तरीके की डब्बी के अंदर जो है ये प्रोडक्ट आपको मिलता है, और ये बना हुआ है 100% वेगन इंग्रेडिएंट के साथ में. यहाँ पे एक साइन भी है, अगर आपको दिखे तो आप देख सकते हैं. और इसके अंदर आपको टोटल मिलती है 60 टैबलेट्स. अगर मैं बात करूँ इसके MRP की तो दैट इज़ 999, और यानी 1000 के अराउंड में है. लेकिन अभी इसके ऊपर भी कुछ डिस्काउंट चल रहा था, और अभी कितना था एग्जैक्टली वो डिस्काउंट मुझे याद नहीं है, लेकिन आप वेबसाइट से जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं. और इसके ऊपर टोटल आपको 18 मंथ्स की जो है शेल्फ लाइफ जो है वो मिल जाती है. अब अगर आप इसे खोलते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर आपको एक सील मिलेगी. सील को जैसे ही आप ब्रेक करोगे अंदर की तरफ आपको टैबलेट्स मिलती हैं जो कि कुछ इस तरीके की ऑरेंज कलर में है. तो ये जो टैबलेट है ना, आपको इसे मील के बाद भी ले सकते हो, आप इसे ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हो, आप इसे लंच और डिनर के बाद भी ले सकते हो. सिर्फ डेली एक टैबलेट आपको लेनी है. कैसे लेनी है मैं आपको बता देती हूँ. मैंने ली है यहाँ पे ये एक टैबलेट, इस तरीके से आपको लेना है और पानी के साथ में अंदर ले जाना है. बहुत हल्की है, कुछ अलग से इसको लेने के बाद आपको कोई फ्रेग्रेंस अंदर से पता नहीं चलेगी, और आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगी, आपके बालों में शाइन लेकर आएगी, आपके नेल्स को भी स्ट्रांग बनाएगी. बायोटिन का तो आपको पता ही होगा, साथ में इसके अंदर जो विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी आपको मिल रहा है वो आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो इस टैबलेट को जो है डेली बेसिस पे आपको लेना है, सिर्फ एक टैबलेट आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी है. सो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि आती है कुछ इस तरीके के बॉक्स के अंदर, और ये है मिनोक्सिडिल एंड फिनस्टेराइड ट्रॉपिकल सॉल्यूशन. तो बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, तो वो मैं अभी आपके साथ में शेयर करूँगी. तो सबसे पहले हम इसे खोल के देखते हैं कि बॉक्स है कैसा. तो जैसे ही हम इसे खोलते हैं इसके अंदर आपको ये एक सॉल्यूशन मिलता है, जिसके साथ में स्प्रे और ड्रॉपर दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं. अगर आपको बहुत कम एरिया में इसको यूज़ करना है तो आप ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा पैच है, बाल्डनेस है आपके स्कैल्प के ऊपर, जैसे कि हो जाता है यहाँ पे, हो जाता है इस एरिया में, हो जाता है क्राउन एरिया में, हो जाता है, तो आप स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हो. सो गाइस इसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ 649 रुपीज़, और 2 ईयर्स के अराउंड में आपको इसके ऊपर भी शेल्फ लाइफ जो है वो मिल जाती है. तो गाइस ये तो बात हुई कंप्लीट हेयर केयर किट की. अब हम बात करते हैं कि ये हेयर फॉल आखिर है क्या चीज़, और डर्मैट इसके बारे में क्या आपको रिकमेंड करते हैं. देखिए कुछ चीज़ें अभी तक मुझे पता थी, कुछ चीज़ें मुझे नहीं भी पता थी, तो जो मुझे आज पता चले मुझे लगता है कि वो आपको भी पता होना चाहिए. तो गाइस देखिए, जब हेयर फॉल हम उसे कहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो जहाँ से टूट रहे हैं, यानी स्कैल्प से जब वो टूटते हैं उसकी जगह पर नए बाल ना आए, तो उसको जो है हम हेयर फॉल कहते हैं. लेकिन डर्मैट कहते हैं कि एक दिन के अंदर 50 से लेके 100-150 के करीब में बाल जो हैं रेगुलर बेसिस पे टूटते ही टूटते हैं, और जब वो बाल टूट रहे हैं उसकी जगह पे अगर नए बाल नहीं आ रहे हैं तो दैट मींस कि आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है. मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है. मेल और फीमेल दोनों के अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल
का जो प्रॉब्लम है वो कॉमन हो चुका है आज के टाइम में. कुछ लोगों को जेनेटिक यू नो हेयर फॉल भी होता है, लाइक हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम रही है, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है वो प्रॉब्लम भी चलता आता है. तो एंडोजेनेटिक एक हार्मोन होता है जो कि मेल के अंदर मिलता है, और एस्ट्रोजन की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से मेल के अंदर हेयर फॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा देखा गया है. फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की क्वांटिटी यानी एस्ट्रोजन हार्मोन की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो उसको जो है बैलेंस कर लेते हैं और वो बाल्ड पैचिनेस जो है फीमेल के अंदर जो है वो कम देखने को मिलता है मेल्स के अकॉर्डिंग. आपने एलोपेशिया सुना होगा, एलोपेशिया की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको बाल्ड पैचेस हो जाते हैं, और यू नो एक स्पेशल जैसे ये एरिया है इतनी दूर के बाल जो है वो हट जाएंगे सर पे से, इस एरिया में साइड से जो है हेयर फॉल ज़्यादा होगा और स्कैल्प आपकी दिखना शुरू हो जाएगी. फीमेल के साथ में क्या होता है कि जो ये सेंटर का जो क्राउन एरिया होता है ना यहाँ पे ज़्यादा हेयर फॉल होता है, लेकिन एस्ट्रोजन की क्वांटिटी जो है वो उसको बैलेंस कर लेती है, तो वो पूरे बाल नहीं जाते हैं लेकिन गैप ज़रूर आ जाता है बालों के बीच में. तो मेल के अंदर स्पेशली बताया जाता है जो ये एंडोजेनेटिक जो हार्मोन होता है ना इसकी वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होता है. अब ये एंडोजेनेटिक आप इसे बोल सकते हो या आप इसे टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हो. तो गाइस ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना ये 5-अल्फा रिडक्टिव एंजाइम की वजह से DHT में जो है कन्वर्ट हो जाता है. DHT यानी कि डिहाइड्रेस्टेरोन भी आप इसे बोल सकते हो. इसकी वजह से हमारे बालों की थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा जो मोटे होते हैं ये पतले होना शुरू हो जाते हैं, बालों में हेयर फॉल ज़्यादा आपको दिखना शुरू हो जाता है और थिकनेस को भी कम कर देता है, और धीरे धीरे आप देखोगे कि पर्टिकुलर एक एरिया से बाल जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं. तो बेसिकली ये जो कंप्लीट किट इन्होंने जो डिज़ाइन की है ना ये DHT ब्लॉकर किट भी आप इसे बोल सकते हो, और ये बेसिकली आपके स्कैल्प के ऊपर जो हेयर फॉल हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करती है. अब ये जो कंप्लीट मैंने आपको बताया अभी कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो आपको हेयर फॉल हो रहा है या स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहा है या आपकी लाइफस्टाइल उतनी ज़्यादा यू नो एक्टिव नहीं है, मॉडर्न लाइफस्टाइल आप जी रहे हो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है, तो इसके लिए जो डर्मैट होते हैं वो कुछ प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करते हैं. तभी भी आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होगा और किसी डर्मैट के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको मिनोक्सीडाइल जो है वो सजेस्ट करते हैं. अब ये मिनोक्सीडाइल है क्या? देखिए मिनोक्सीडाइल एक ऐसा सॉल्यूशन आप उसे बोल सकते हो जो हमारी बालों की ग्रोथ का एक फेस होता है जिसको हम एनेजन फेस बोलते हैं. वहाँ पे जब हम इसे अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो वो उस एनेजन फेस के ऊपर काम करता है और आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, उसकी थिकनेस को भी मेंटेन रखता है और बालों का हेयर फॉल जो है वो कम कर देता है. मिनोक्सीडाइल जब आप यूज़ करते हो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है आपको देखने को मिले, बट वो टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं. वो ऐसा नहीं है कि जब आप इसे यूज़ करोगे तो वो परमानेंट होगा, नहीं, वो कुछ टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं. जैसे कि आपकी स्कैल्प थोड़ी सी ड्राई हो सकती है, आपके बालों में थोड़ी सी ड्राइनेस आपको नज़र आ सकती है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कुछ श्रेडिंग का प्रॉब्लम हो. जैसे अगर आपको बाल्ड पैचेस है तो कुछ थोड़े बहुत जो पतले पतले से बाल होते हैं ना वो टूटे तो आपको लगे कि आप मिनोक्सीडाइल यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से आपको ये हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक टेम्परेरी बेसिस पे होता है, लेकिन बाद में जाके ये चीज़ें जो है रुक जाती हैं. तो मिनोक्सीडाइल सबसे पहली चीज़ होती है जो डर्मैट आपको प्रेफर करते हैं हेयर फॉल के लिए. दूसरी चीज़ होती है फिनेस्टोराइड. तो फिनेस्टोराइड क्या काम करती है मैं आपको वो भी बताती हूँ. फिनेस्टोराइड जो होता है ये बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको ओरली खाने के लिए भी दिया जाता है और हो सकता है ये सीरम काइंड ऑफ तरीके से आपको लगाने के लिए भी मिले. तो ये बेसिकली काम क्या करता है, जो DHT का जो लेवल होता है उसको ये कंट्रोल करता है और उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपके बालों में हेयर फॉल कम हो जाता है. ठीक है, तो ये जो कंप्लीट इन्होंने हेयर केयर किट जो डिज़ाइन की है मेन और विमेन के लिए, इस किट को अगर आप यूज़ करते हो तो ये बेसिकली DHT ब्लॉकर यानी डिहाइड्रेस्टेरोन ब्लॉकर किट है. अगर आपके बालों में इस प्रॉब्लम की वजह से, वैसे बेसिकली यही एक मेन प्रॉब्लम और रीज़न होता है हेयर फॉल होने का, तो अगर आपके बालों में इस वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा. तो गाइज ये बेसिकली आपका मिनोक्सीडाइल एंड फिनेस्टोराइड का ट्रॉपिकल एक प्रॉपर एक सोल्यूशन है जो आपको मिलता है, जो कि आपके स्कैल्प पे जाकर बहुत अच्छा काम करता है. 1 ml के अराउंड में इसकी क्वांटिटी आपको यूज़ करनी है अपने बालों के ऊपर, एक बार मॉर्निंग में और एक बार रात को सोने से पहले. 2 बार आपको इसे अपने बालों के ऊपर जो है अप्लाई करना है. और ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो इनकी वेबसाइट पे जाइए और फ्री कंसल्टेशन ले लीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए डायरेक्ट, वो आपको अच्छे से इस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो डिटेल देंगे. डर्मैट के थ्रू ये बेसिकली एक DHT ब्लॉकर किट डिज़ाइन की गई है. आज के टाइम में ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम है वो सारा
डीएसटी की वजह से ही हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है ही है। तो बेसिकली ये काम क्या करता है, उस एनर्जन फेस के ऊपर काम करता है जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम हो रही है। तो वो जो एक फेस होता है जिसमें आपके बालों को ग्रो करना चाहिए, ये उसके ऊपर काम करता है और उसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ती है और बालों में हेयर फॉल का प्रॉब्लम जो आपको देखने के लिए कम मिलता है। जब अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लॉन्ग रन में यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और जब आपको इसे छोड़ना भी होगा ना, तो आप धीरे धीरे करके, यानी अभी आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हो तो आप इसे जैसे 4 या 5 दिन में एक बार यूज़ कीजिए। तो धीरे धीरे करके आप इन प्रोडक्ट्स को जो है छोड़ भी सकते हैं और ये लॉन्ग रन में जो है अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके बालों में बिल्कुल कोई हेयर फॉल नहीं होने वाला है। 95% तक इसका सक्सेसफुल रेट रहा है अभी तक का। और अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो गाइज मेरा एक्सपीरियंस इस किट के साथ में काफ़ी अच्छा रहा। मैंने खैर मिनोक्सिडिल फिनेस्टोराइड तो अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे कोई बाल पैचिनेस अपने बालों के ऊपर नहीं है, तो मतलब सॉरी मेरे स्कैल्प के ऊपर नहीं है। और लेकिन हाँ, मेरे फैमिली में है कुछ लोग जिन्होंने यू नो हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया है। और हेयर ट्रांसप्लांट कराने की नौबत नहीं आती अगर मुझे पहले इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता होता तो। तो गाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल है, अगर आप मेल हैं तो आप इस किट को ज़रूर एक बार ट्राई करें। मतलब 1200 के अराउंड में ये जो पूरी कंप्लीट किट आपको मिल जाएगी और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो हो सकता है आपको 1000 के अंडर ये कंप्लीट एक किट मिल जाए। तो इसे एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मिनोक्सिडिल क्या होता है ना, इसको बोला जाता है कि आपको जो है अपने स्कैल्प के ऊपर ही लगाना है कि अगर अपने यहाँ थोड़ा बहुत स्किन पे भी लग गया तो वहाँ पे भी हेयर ग्रो कर जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो गाइज ये जो कंप्लीट किट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये वाला शैम्पू और ये बायोटिन विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई की जिंक टैबलेट्स। इनको जो है एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपको इंटरनली जो न्यूट्रिशन की कमी है ये उसको पूरा करती है और ये डीएसटी ब्लॉगर शैम्पू है जो आपके बालों के हेयर फॉल को भी कम करता है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर भी इनके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके प्रोडक्ट्स जो हैं और भी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर भी अवेलेबल हैं। मैंने अमेजन के ऊपर चेक किया था तो वहाँ पर थे, तो अभी वहाँ पे भी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जाके इनके प्रोडक्ट्स को जो है ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट हेयर फॉल के अंदर मुझे देखने को मिला है, क्योंकि मैं जब भी शैम्पू करती थी ना जनरली, और शैम्पू करने के बाद बालों को टाई किया तो 2-4 बाल टूट गए, बालों को वो नॉर्मली खोला तो भी रबड़ के अंदर हेयर फॉल मतलब हेयर बैंड के अंदर जो है वो, तो उसमें भी बाल दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मुझे जो है अपने घर में बाल थोड़े कम पड़े हुए दिख रहे हैं। तो एक बार मैं आपको ये प्रोडक्ट्स जो है ज़रूर सजेस्ट करती हूँ। और हो सकता है फ्यूचर में मैं इस किट का एक मिनी वर्जन है जिसमें आपको ये शैम्पू और ये बायोटिन की टैबलेट मिले, तो हो सकता है मैं इसका गिव अवे भी आपके लिए प्लान करूं। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना उस गिव अवे के लिए, तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कौन कौन इंटरेस्टेड है इस शैम्पू और बायोटिन की टैबलेट के लिए। मैं ज़रूर इसका गिव अवे आगे के लिए प्लान करूंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो गाइज ये थी मेरी आज की कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय।